हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके घर एलईडी बल्ब है तो अपने खुद से अपने घर के एलईडी बल्ब का रिपेयरिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे मोस्टली प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो पर, हम आपको दिखाते। तो फ्रेंड्स, ये 12 वाट के एलईडी बल्ब का ये किट है जो अंदर लगा होता है, ये उसकी पीसीबी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ओपन करने के बाद हमें क्या चेक करना होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऊपर जो एलईडी लगी होती है इसको हम देखेंगे कि कोई एलईडी ख़राब तो नहीं है। अगर ये एलईडी ख़राब हुआ ना तो किसी एलईडी में इसे कालापन सा हो जाता है या मतलब कुछ अलग सा दिखने लगता है, तो अगर हम समझ जाएँ कि ये एलईडी ख़राब है। रह गई बात कि सबसे अंदर की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये जो कीट है इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, ये 12 वाट का एलईडी बल्ब का कीट है। इसमें देखिए दो एमओबी लगे हुए हैं और ये दो फ्यूज लगे हुए हैं, और बाकी 9 वाट या 7 वाट या 5 वाट की एलईडी बल्ब की जो कीट होती है उसमें मात्र एक ही एमओबी लगा होता है और एक फ्यूज लगा होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है अगर आपका एलईडी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये फ्यूज जो है उड़ जाता है। ये 12 वाट का एलईडी बल्ब है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक फ्यूज उड़ेगा तो आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, आप समझ लीजिए कि दूसरा फ्यूज भी उड़ जाएगा। ये दो एमओबी है, ये भी जल जाएगा। तो हम अगर ये दोनों फ्यूजों को अगर हम इसको रिमूव करके यहाँ पे दूसरा फ्यूज डाल दें और ये एमओबी को दोनों को रिमूव करके दूसरा एमओबी हम यहाँ पे अगर डाल, तो फ्रेंड्स ये जो है 12 वाट के एलईडी बल्ब का ये कीट है। अगर 9 वाट का होता या 7 वाट का तो एक ही एमओबी और एक ही फ्यूज होता, दोनों को हम रिमूव करके अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारा एलईडी बल्ब फिर से जलने लगेगा। और इसकी कीमत क्या होती है, ये फ्यूज जो होती है मात्र 60 पैसे की आती है और एमओबी 1 रुपये की आती है। 1 रुपये 60 पैसे में हम एक बल्ब की रिपेयरिंग कर सकते हैं, 3 रुपये आप मैन्युफैक्चरिंग चार्ज मान लीजिए, और मान चलिए आप 5 रुपये में अपने बल्ब की रिपेयरिंग कर सकते हैं। यही आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो 40 से 50 रुपये तक लेता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हमारा इतना ही सब था। अगला जो वीडियो होगा हम आपको बताएंगे कैसे रिमूव करके दूसरा एमओबी और फ्यूज इसमें लगाते हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच कर दीजिए ताकि हमारा जब दूसरा वीडियो जब बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। धन्यवाद।